pasito, 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 guriya bachao, guriya bachao, guriya bachao, pasito, pasito, Thank you.
फांसी दो फांसी दो गुड़िया के हत्या रोको फांसी दो फांसी दो गुड़िया के हत्या रोको फांसी दो फांसी दो गुड़िया के हत्या रोको फांसी दो फांसी दो हेलो बच्चो गुड़िया को फांसी दो फांसी दो फांसी दो गोला बनाना सरकार फांसी दो फांसी दो टीचर हम गोला बनाना उसको
घोषित हो रही है। मैं सोचती हूँ कि सरकार को इसके खिलाफ जल्दी से कदम उठाकर उनको सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा ये महिलाएं जो है ये बहुत और इससे बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि उनमें कितना देखिए आप इनके फोटो लीजिए कितना आक्रोशित हो रही है वो महिलाएं। तो आप देखिए कि सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे अभी भरतपुर हो, अलवर हो, कहीं कहीं की घटनाएं हो, उन सब घटनाओं के अंदर महिलाओं सुरक्षित नहीं है। ये राजस्थान की वीर भूमि है, ये पन्ना भाई की भूमि है, ये पद्मिनी की भूमि है, जहाँ महिलाओं ने अपने शीर को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। और एक आज ये सरकार है, सरकार के भाई बनते हैं और बच्चे के पिता बनकर उनको सजा दिलाना चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए। वो सरकार अगर नहीं कर सकती है तो सरकार को अपनी कुर्सी छोड़कर चली जाना चाहिए। आज मावली के क्षेत्र के 8 वर्षीय जिस बालिका के साथ है ये सारा इतना घिनौना हत्याकांड हुआ है, उसके साथ रेपिस्ट हुआ है, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी मतलब फांसी, लास्ट एंड फुल फाइनल फांसी की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। ये सब इन लेडीज का आक्रोश है, उसको कैसे भी करके फांसी तक ले जाना है, बस ये हमारा मकसद है। ताकि ऐसे कोई कांड करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसका परिणाम ऐसा होने वाला है, ताकि वो कोई भी ऐसे करने की हिम्मत ना करेगा, यही हमारा मकसद है। शर्मसार कर दिया है राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी ने, क्योंकि खुद गृह मंत्री भी बने हुए बैठे हैं। मेरी बहनों की, बच्चियों की इज्जत आबरू कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आज बहनें मिलकर के यह गुहार करती है, गहलोत या तो भाग जाइए और नहीं तो इन गुड़ियाओं को बचाइए, कुछ तो कीजिए, शर्म कीजिए, जाइए। चलो बताओ आज जो गुड़िया लेके जो प्रदर्शन है, आप बताओ गुड़िया हाथ में क्यों है?
आज के इस संबंध में सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब वो पकड़ा गया है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई ऐसी की जाए कि उसको ऐसी सजा होनी चाहिए जिस प्रकार उसने एक छोटे से मासूम की बच्ची का उसको 10 टुकड़े करके उस बच्ची का टुकड़े टुकड़े किए, उसी प्रकार उसी का भी तरीके उसी अंगों के 10 टुकड़े करने चाहिए। हर एक दिन एक टुकड़ा करके उसको बहुत कठोर सजा देनी चाहिए, ऐसे टुकड़े करने चाहिए कि उसको एक बार भी उसकी जान मिल जाए। जी बताएं आज का आज भारतीय जनता पार्टी और महिलाओं का देख रहे हाथ में गुड़िया लेके आई है, क्या संदेश है? जिस प्रकार का कृत्य तहसील के अंदर हुआ है और बालिका के साथ में जो कुकृत्य है, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपराधी को पकड़ लिया है, शरण देने वाले उसके माता पिता को भी अरेस्ट कर लिया है। और जो जघन्य अपराध हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ में और उसके साथ टुकड़े कर कोड़े में रखकर और फिर उसको कहीं छुपा देना रख देना, इस बात को लेकर आज हमारी बहनों ने अपने मन की पूजा के लिए अपनी मन की पूजा को व्यक्त करने के लिए गुड़िया हाथ में ली है। और गुड़िया के हम गुड़िया को हमारे बच्चों की प्रकार से पालन पोषण करते हैं, छोटी बच्ची का है। आज सभी हमारी बहनों के मन के अंदर इसके अंदर आक्रोश है, उनके मन के अंदर ये चाहते हैं कि त्वरित निर्णय हो, न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधियों को फांसी दी जाए। इसी मांग को लेकर अपनी भावना व्यक्त करने के लिए एक आंदोलन के रूप में प्रदर्शन के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची का निर्भर हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया और सरकार अभी तक चालक पुलिस चालान पेश कर रही है, सरकार कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हत्यारों को केवल और केवल मात्र फांसी की सजा दी जाए। उसी को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया, हर माता पिता के दिल में डर बैठ गया इस घटना से, क्या लगता है? बिल्कुल डरेंगे, तो सरकार इसी निकम्मी लाचार और नाकारा है तो माता पिता बिल्कुल डरेंगे और वो बिल्कुल सोच डरने जरूरी भी है कि जिस तरह की सरकार प्रोटेक्शन दे नहीं सकती किसी के बच्चे बच्चियों को, तो वो डरेंगे, वो क्या करेंगे फिर इस तरह से, तो जल्द से जल्द उसके हत्यारों को फांसी हो।